बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से तंदूर की रोटी। ना ही हम अवन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम तंदूर का। सबसे पहले हमने एक परात के अंदर दूध डाल देना है। दूध के बाद हमने इसके अंदर पानी डालना है। पानी के बाद 1 टीस्पून हमने इसके अंदर यीस्ट ऐड कर देनी है। यीस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। फिर जी हमने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, साथ ही हमने इसके अंदर चीनी जो है वो भी ऐड कर देनी है। इनको ऐड करने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हमने। फिर हमने इसके अंदर मैदा जो है वो डाल देना है। मैदे को हमने पहले ही छान लिया था। फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है और हमने जिस तरह बाकी आम रोटी का हम आटा गूंथते हैं वैसे ही हमने इसको भी गूंथ लेना है। पहले हम इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे और फिर जैसे हम दूसरा आटा गूंथ हैं वैसे ही हम इसे गूंद लेंगे। और जी फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा घी जो है वो ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद इसको हमने फिर से गूंद लेना है। और जी इसको गूंदने के बाद हमने इसकी डो जो है वो 1 घंटे के लिए रेस्टिंग मूड में रख देनी है, किसी भी कोई गर्म जगह पर। फिर हमने 1 घंटे बाद इसका इस तरीके से पेड़ा ले लेना है और फिर हमने उसको बेल लेना है। और जी इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। और आप हमारे साथ हमारी रेसिपीज का फीडबैक लाजमी शेयर किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट दफ़ा आपके लिए वो लाजमी रेसिपी लेकर आएंगे। कांटे की मदद से हमने इस तरीके से इसके अंदर सुराख कह लें वो कर लेने हैं। ये इस तरीके से हमने इसके अंदर सुराख कर लेने हैं दूसरी साइड से भी। और जिस तरीके से हमने सारे जो रोटियां बेली थी आप कह लें उसके अंदर सुराख कर लेने हैं। इस तरीके से पहले हमने पतीले को थोड़ी देर प्री हीट कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने जो रोटियां थी वो चारों साइड्स पे लगा देनी है। और जी फिर हमने ये इसको पलट देना है। और जी फिर अभी हम रोटियां जो हैं वो बना लेंगे इसी तरीके से, क्योंकि इसके अंदर हीट जाती जाएगी और रोटियां जो हैं वो पकती जाएंगी। और जी इधर हमारी नरम नरम ताज़ा ताज़ा रोटियां जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। होप सो कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।